बदरवास थाना क्षेत्र के सुमेला गांव की है, जहां पति ने वैलेंटाइन डे पर ही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या की और सीधा थाने जा पहुंचा। थाने पहुंचकर युवक ने बताया कि वह अपनी पत्नी की हत्या करा रहा है, जिसके चलते एकदम पुलिस भी सकते में आ गई और तत्काल सक्रिय हुई, जहां पुलिस ने जाकर महिला की लाश को पीएम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रामकृष्ण उर्फ दल के पुत्र लल्ली राम केवट उम्र 35 साल की पत्नी आशा केवट का गांव के ओम प्रकाश पुत्र नंद राम केवट उम्र 45 साल निवासी सुमेला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये प्रेम प्रसंग पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसके चलते पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बीते कुछ दिनों पहले भी आरोपी ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ देख लिया था, जिसके चलते उसने आज वैलेंटाइन डे के दिन अपनी पत्नी की गुलाड़ी से हत्या की और सीधा थाने जा पहुंचा। मृतका आशा के दो बच्चे भी हैं, उसके बावजूद भी वे ओम प्रकाश के प्रेम प्रसंग में आ गई। इस मामले की सूचना पर पुलिस ने महिला के प्रेमी को भी उठाया है। पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। सर, ये सुमेला का जो मामला आया है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? ये आशा बाई थी, एक आशा बाई केवट, पत्नी रामकिशन केवट सुमेला की रहने वाली थी। इसके पति ने इसकी हत्या कर दी है आज लगभग सुबह 4:30 बजे की। तो वो मुलजिम पकड़ा गया है? हाँ, मुलजिम पकड़ा गया है और उससे सब आला जर भी बरामद हो गया है। क्या नाम है सर मुलजिम का? रामकिशन केवट। वो मरने वाले का पति था? हाँ।